अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये बात है, आपने एग्जैक्टली मन्नत जैसा फोन क्यों मंगवाया मुझसे? मतलब सेम मॉडल सेम मेक, ताकि मन्नत को पता ना चले कि मैं उसका फोन चेक कर रही हूँ, कि मैं उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हूँ। अच्छा, ओके। इस फोन की बैटरी डेड है ना? हाँ हाँ, लगती तो है। केयरफुल। ये निगार तो इसी तरफ आ रही है, इसे रोकना होगा। निगार, कहाँ जा रही हो तुम? मैं बस गोवा जाने के लिए निकली थी। मन्नत अपी से बात करने जा रही हूँ मैं। एक मिनट, उनसे बाद में बात करना, पहले मुझसे बात कर लो। यार देखो ना, मेरी स्किन ना एकदम ऐसे रूखी सूखी सी, ड्राई सी हो रही है, तो तुम्हारे चेहरे पे जो ग्लो है वो पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे, पहली बार इस घर में किसी को मेरे फेस का ग्लो दिखाई दिया है। मैं बताऊंगी आप, लेकिन किसी को बताना मत। अरे तुम्हारी कसम, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और ऐसी बातें तो सीक्रेट रखी जाती है ना। वही, आप कितनी समझदार है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं दादी अम्मी का एक सीक्रेट फॉर्मूला यूज करती हूँ। ओह, सीक्रेट फॉर्मूला? कैसा फॉर्मूला? इधर नहीं, उधर कोने में लेकर चलती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। सुन ले। अरे यही बता दो। अरे नहीं, आप क्या, तो आपको क्या करना है? फोन यही चेक करना पड़ेगा, बाहर गई और निगार ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फोन तो लॉक्ड है। मुझे किसी भी तरह मन्नत का फेस दिखा के मोबाइल को अनलॉक करना होगा। रात के टाइम पे एक चम्मच बेसन लेना है, उसमें हल्दी डालना है और उसमें नींबू का रस निचोड़ दीजिए, और उसके बाद जो प्याज का ऊपर वाला लेयर होता है ना, उसको जला दीजिए, और जो जला हुआ टुकड़े है उसको इसमें मिक्स कर दीजिए, और रात को लगाकर सोइए, और जैसे ही आप सुबह उठोगे ना, तो आपके फेस पे एक नए प्याज की जैसे चमक आ जाएगी, जैसे मेरे फेस पे है। हाँ, बहुत ठीक है, मैं चलती हूँ। मन्नत अपी से मुझे भाग गया। अरे अरे, सुनो सुनो, ये तो बता दो वो प्याज कितने लेने? एक दो? दो प्याज। दो प्याज, अच्छा अच्छा, एक मिनट, नींबू? नींबू कितने? नींबू भी दो। दो नींबू? हाँ। अच्छा अच्छा, सुनो निगार, मैंने सुना है तुम्हें मेकअप बहुत पसंद है। मेरे पास ना बेस्ट कलेक्शन, तुम्हें देखना है क्या? हाँ, चलो लेट्स गो। ये अनलॉक क्यों नहीं हो रहा है? कहीं कोई आ ना जाए। मन्नत भी उठ गई और निगार भी जा रही है, लगता है इबादत पकड़ी जाएगी। कार की बच्ची, ये बांस कैसे गिर गया? मुझे क्या पता अप्पी, मैं तो अभी आई हूँ ना, और यहाँ तो कोई है भी नहीं। कोई तो होगा ना, देखो।
जो भी होगा यही कहीं होगा। देखो निगार। किसी इडियट ने खिड़की खुली रख दी है। बिल्ली बिल्ली आ गई होगी अंदर। तुम यहां क्या कर रही हो? अभी वो ना मुझे गोवा जाना है। मुझे आपका फ्रेंड है ना जो सस्ते में टिकट कर देते हैं, उसका नंबर दे दीजिए। आप तो पता ही है मेरा इस घर में बजट कम हो गया है। प्लीज अभी करवा दीजिए ना। ये कोई टाइम है? मैं सो रही थी, तुम्हें दिखाई दे रहा था ना। अब जाओ, मैं कल भेजूंगी, बाद में भेजूंगी। अभी आप समझ क्यों नहीं रही है? दे दीजिए ना प्लीज। दादी अम्मी को भी पता नहीं है, और मुझे पता लगेगा वो जाने नहीं देगी। टिकट करने के बाद ही उन्हें बताऊंगी मैं। ठीक है बस दे रही हूँ। स्विच ऑफ। चार्जर का प्लग किसने ऑफ कर दिया? मैंने तो सोने से पहले ऑन किया था। भूतों ने कर दिया है। आपके बेडरूम में ना भूत घूम रही है। उनका आपको सोशल मीडिया पे हैंगआउट करना उनको ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने चार्जर ऑफ कर दिया। कितनी बकवास बातें कर लेती हो ना तुम निगार। कितनी भरकाए बेकार की बातें मत क्या करो। अरे अभी जाओ, फोन चार्ज हो जाएगा तो मैं तुम्हें नंबर भेज दूंगी। जाओ अभी, अभी दे दीजिए ना प्लीज। मैंने कहो ना जाओ, मैं बाद में भेज दूंगी। मैंने कहा मैं दे दूंगी ना निकाल, परेशान मत करो, तुम निकलो यार। मन्नत तो चार्जर ऑन कर रही है, फोन ऑन हुआ तो उसे पता चल जाएगा कि उसके पास जो फोन है वो उसका नहीं है। जल्द से जल्द मन्नत का फोन चेक करना पड़ेगा। फिर इसका लॉक कैसे खोलूं, क्या करूं? मन्नत की फोटो से उसका फोन अनलॉक करने की कोशिश करती हूँ, शायद खुल जाए। मेरे को सोने दो निगार, मैं बाद में भेज दूंगी। तुम उधर कोई है अभी? उधर कोई क्या निगार, अभी वो कर्टेन हिल रहा है। मुझे लग रहा है उधर कोई है पक्का। निगार हाँ, तुम कितनी बार का है हॉरर फिल्म में जरा कम देखा करो ना। जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। नहीं अभी है उधर, सच में कोई है, हिल रहा है वो कर्टेन। चलिए अभी चेक करते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।